हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्निंग बैच यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हमने कैपिटल गेन वाले हेड पर ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और आज हमारी वीडियो नंबर है नंबर 4। और दिल्ली के अंदर काफ़ी हद तक लॉकडाउन जो है 17 मई के बाद ओपन कर दिया है, खोल दिया गया है, जिस वजह से शायद आपको थोड़ी सी नॉइज़ का सामना करना पड़ सकता है। रोड में गाड़ी वाड़ी चल रही है, उसकी शायद थोड़ी बहुत नॉइज़ आपको मिले, तो प्लीज़ यार उसको थोड़ा इग्नोर करना। उसके लिए मैं भी कुछ कर दूंगा जुगाड़ पानी। उसके बाद आज वीडियो नंबर 4 शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको फटाफट से रिविज़न दूंगा कि अभी तक हमने क्या करा है। उसके बाद जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर एक होमवर्क दिया था उसका सॉल्यूशन करेंगे, एंड देन आज का जो टॉपिक है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो अगर आपको रिविज़न नहीं करनी है, आप डायरेक्टली वीडियो को आगे बढ़ा के भी आगे सुन सकते हैं, ठीक है। तो मैं फटाफट बोलूँगा क्या क्या हमने कर लिया है। सबसे पहले हमने चार्जिंग सेक्शन किया। चार्जिंग सेक्शन ने हमें ये बताया कि कब ये जो सीजी कैपिटल गेन वाला हेड है वो ओपन किया जाता है, या फिर किस तरीके की इनकम जो है कैपिटल गेन हेड के अंदर शो की जाती है। तो सेक्शन 45 ने हमें बताया कि अगर आप कोई कैपिटल एसेट कोई सेल कर रहे हो या फिर ट्रांसफर कर रहे हो, तो वहां से होने वाला अगर आपको कोई भी प्रॉफिट लॉस है उसको आप कैपिटल गेन हेड के अंदर शो करोगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर कैपिटल एसेट की कुछ डेफिनेशंस थी, जहाँ पे हमें पता लगा कि अच्छा किस एसेट को कैपिटल एसेट कहा जाता है और किस एसेट को कैपिटल एसेट नहीं कहा जाता है, राइट। और देन जैसे हमने ये डिसाइड किया कि भाई क्या क्या चीज़ें कैपिटल एसेट हैं, तो उसके फिर बारे में हमने उसके नेचर के बारे में पढ़ा। नेचर देखा तो हमने दो तरीके के कैपिटल एसेट्स होते हैं, या तो कोई कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म होगा या तो वो कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म होगा। कैसे डिसाइड करें कि वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, तो उसके लिए आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी या काउंट करनी पड़ेगी पीरियड ऑफ होल्डिंग, यानी कितने टाइम पीरियड के लिए आपने उस एसेट को होल्ड किया। तो कैसे गिनेंगे, वो बाइंग डेट से सेलिंग डेट तक आपको काउंट करना होगा, और जो भी काउंटिंग करेंगे वो डेज में मत करना, ईयर में मत करना, वो आपको मंथ्स में करना है। जैसे आपने काउंट कर लिए मंथ्स, तो पता लगेगा आपने कितने महीने होल्ड करा। तो वहां पे आपको कुछ पैरामीटर्स दिए हुए थे, जैसे कि 36 महीने, कुछ सेलेक्टेड एसेट्स के लिए 12 महीने और एक आधे एसेट्स के लिए वहां पे 24 महीने भी था, ठीक। तो इसके थ्रू पता लगेगा कि इस इन टाइम पीरियड से पहले ही अगर आप किसी कैपिटल एसेट्स को बेच देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाता है, और इस डेट के बाद इतने टाइम पीरियड के बाद अगर आप उसे बेचते हैं तो वो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहा जाता है। जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, उस हिसाब से आप उसका फॉर्मेट डिजाइन करेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो आपको फॉर्मेट ओपन करना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो आपको फॉर्मेट ओपन करना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। दोनों फॉर्मेट लगभग सेम थे, बट दोनों में फर्क क्या था, इंडेक्सेशन का। लॉन्ग टर्म के अगर मैं बारे में बात करूं तो वहां पर इंडेक्सेशन का एक बेनिफिट जो आप यूज करते हैं अपने खर्चों के ऊपर, और शॉर्ट टर्म में ऐसा कुछ नहीं था। अगर फास्ट तरीके से अगर मैं बताऊं आपको भाई क्या क्या फॉर्मेट के अंदर टर्म्स थे, तो सबसे पहले सेल कंसिडरेशन, उसमें से आप लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, उसके बाद आपको निकलकर आता है वहां पर नेट सेल कंसिडरेशन। आप दो खर्चे घटाते हो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, देन आपके पास कैपिटल गेन कैलकुलेट होके आ जाता है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर एक खर्चा था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक खर्चा था, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एक खर्चा था, ठीक। उसके अलावा हमने कुछ दो अलग से केसेस सीखे थे कि अगर आपने कोई एसेट एक्वायर्ड किया है, खरीदा है 1/4/2001 से पहले, तो वहां पे क्या करना है। देखो 1/4/2001 से हमारे पास इंडेक्स्ड वैल्यू अवेलेबल है, ठीक। हमारे असेसमेंट ईयर 1920 के अंदर जो हमारे पास इंडेक्स वैल्यू है वो 1/4/2001 से अवेलेबल है, जो कि बेस ईयर है, और 100 वहां पर वैल्यू रखी गई है। तो अगर क्या करेंगे कि अगर इस ईयर से पहले अगर आपने कोई एसेट खरीदा हुआ है, तो वहां पे आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप चाहे तो 1/4/2001 में जो भी उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू है, उस फेयर मार्केट वैल्यू को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेकर और फिर नॉर्मल इंडेक्स करके आप अपना काम चला सकते हैं। तो वैल्यू कौन सी लें, ओरिजिनल वाली या इस डेट वाली, वो तो आपके पास ऑप्शन है, लेकिन इंडेक्स कौन से ईयर से करना है, डिवाइड किस ईयर से करना है, तो वो आपको इसी ईयर से करना है, वो आपको एक चीज ध्यान रखनी है। अगेन अगर आपने कोई उस घर पर इंप्रूवमेंट किया है, कोई खर्चा किया है इंप्रूवमेंट वाला, कोई कैपिटल खर्चा किया है, किस डेट से पहले, 1/4/2001 से पहले, तो वहां पर अगेन फिर आप क्या करेंगे, यहां पर जैसे पहले ऊपर किया था वैसे कुछ नहीं करना है, यहां पे आपको सीधा इसे इग्नोर कर देना है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इंप्रूवमेंट एक से ज्यादा घर के ऊपर किया जा सकता है। आपने एक साल में कुछ खर्चा किया इंप्रूवमेंट पर, 2-3 साल बाद फिर से एक और इंप्रूवमेंट पर खर्चा किया, 4-5 साल बाद फिर और किया, तो एक से ज्यादा इंप्रूवमेंट के खर्चे हो सकते हैं। डन। आज का जो हमारा नया टॉपिक है उसके बारे में मैं बताऊंगा, एंड देन ब्लूप्रिंट में फिर यहां पे उसे नोट करेंगे अगले रिवीजन के लिए।
तो आज का क्या टॉपिक है देख लेते हैं फटाफट से। आज के टॉपिक से पहले हमें वो होमवर्क जो हमने लास्ट क्लास में दिया था उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं फटाफट से। तो बोलता है बाय किया आपने हाउस प्रॉपर्टी 1/2/2001 को 3 लाख रुपए का, उसमें एक इम्प्रूवमेंट है इतनी डेट को, फिर एक और इम्प्रूवमेंट है 2012 में, फिर आपने उसे 2018 में बेच दिया 22 लाख रुपए का, सीओटी 1% है सेल प्राइस पर, एंड कंप्यूट करना है आपको कैपिटल गेन असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए, एज्यूम करना है कि फेयर मार्केट वैल्यू आपकी इस डेट को ये 3,20,000 दी हुई है। तो फटाफट से फॉर्मेट बना लेते हैं, मैं जल्दी से फॉर्मेट बना लेता हूँ। तो यहाँ पे सेल कंसिडरेशन आएगा, देन उसमें से आप लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, एंड देन निकल कर आएगा नेट सेल कंसिडरेशन। उसके बाद आप खर्चा घटाएंगे, दूसरा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। देखो मैंने इंडेक्स क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे जो आपका फॉर्मेट ओपन होगा वो लॉन्ग टर्म वाला होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो बाय किया है वो 2001 में बाय किया है, और जो आपने सेल किया है वो 2018 में सेल किया है, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 महीने से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इंडेक्स कर दिया। और दूसरा खर्चा जो आप लेंगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, वहाँ पे दो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट थी, मैंने दोनों लिख दिए यहाँ पे, एंड देन घटाने के बाद आपके पास निकल कर आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सिंपल है, फटाफट बता दो कि सेल कंसिडरेशन कितना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 22 लाख रुपये है, तो 22 लाख रुपए मैंने इस तरीके से यहां लिख दिया। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर 1% है, तो 22 लाख का 1% कितना हो जाएगा, 22,000 रुपये हो जाएगा। तो 22,000 रुपये मैं यहाँ पे इस खर्चे को लेस कर देता हूँ, तो कितना निकल कर आएगा, अगर हम 22 लाख में से 22,000 रुपये घटा दें तो आपके पास आ जाएगा ये 21,78,000 रुपये, 21,78,000। मुझे बताओ कितने में आपने ये खरीदा था, आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है क्या? आपने ये खरीदा था 3 लाख में, तो 3 लाख में खरीदा था, ये बता दो किस साल खरीदा था, ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में ये डेट फॉल होती है। तो कई सारे बच्चे इसे 1/2 यानी 2001/2 में ये डेट को फॉल करवा रहे होंगे, जबकि गलत है। ये जो डेट फॉल हो रही है, ये डेट फॉल हो रही है 2000-2001 वाले ईयर के अंदर, ये फॉल हो रही है फेब्रवरी है ना, 31 मार्च आने वाला है यानी 2001 खत्म होने वाला है। 2000 से शुरू हुआ कोई साल 1 अप्रैल 2000 से, और 31 मार्च 2001 में खत्म होगा हमारा फाइनेंशियल ईयर, इस बीच ये डेट फॉल हो रही है। और हमारे पास जो इंडेक्सेशन अवेलेबल है वो 2001/2 से अवेलेबल है, तो मतलब ये कंफ्यूज करने के लिए मैंने ऐसी डेट दी थी, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो आप अब क्या कर सकते हैं, अब आपके पास इंडेक्स वैल्यू तो है नहीं इस ईयर की, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप जो COA है वह फेयर मार्केट वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन उसे तभी लें जब वो हायर हो। सिंपल है ना, यहाँ पे आपके पास चॉइस होती है कि भाई आप कौन सा वैल्यू लें, इस वैल्यू को लें या इस वैल्यू को लें, तो हायर वैल्यू लेना ज्यादा बेस्ट है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो 3,20,000 में यहाँ पे COA ले लेता हूँ, और डिवाइड किससे करूंगा, तो वही 100 से, एंड इंटू 280 का मुझे वैल्यू पता करना है, 3,20,000 / 100 × 3 sorry × 280, तो आपके पास ये वैल्यू कन्वर्ट होके आ जाएगी करीबन 8,96,000 पर। तो अगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता तो हम कितना घटा रहे होते, 3,20,000, लेकिन अब हम कितना घटा रहे हैं, करीबन करीबन 8,96,000 रुपये। सिंपल है, और जितना ज्यादा घटाने को मिलेगा वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उतनी इनकम कम होगी और उतना ही टैक्स हमें कम पे करना पड़ेगा। तो बताओ पहला इंप्रूवमेंट क्या है, इम्प्रूवमेंट आपने 2007 में किया है 80,000 रुपये का, 80,000 रुपये का इम्प्रूवमेंट आपने किया हुआ है, ये रहा, और 280। अच्छा डिवाइड किससे करना है, डिवाइड के लिए तो फिर मुझे वो इंडेक्सेशन टेबल देखनी पड़ेगी, लेकिन ये कौन से साल में आपने इम्प्रूवमेंट पे खर्चा किया था, ये कौन से ईयर में फॉल हो रहा है, ये 11/3/2007, ये हो रहा है 6/7 वाले ईयर में, ठीक है। तो 6/7 का क्या टेबल है फटाफट देख लेते हैं एक बार, ये रहा वो टेबल 6/7 पर 122 आपकी इंडेक्स वैल्यू है, 122 यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू हमने लगा दी, तो कितना बन के आएगा ये 80,000 मल्टीप्लाई 280 डिवाइडेड बाय 122, गलत कर दिया मैंने, एक मिनट, 80,000 डिवाइडेड बाय 122 इंटू 280 करेंगे तो ये निकल कर आएगा लगभग लगभग 183607, मैंने इसे राउंड ऑफ कर दिया। सिंपल, अगला इंप्रूवमेंट कितने का है, अगला इम्प्रूवमेंट है आपका 1,50,000 रुपये का, ये 1,50,000 है, 1,50,000 है ये, और कौन से साल में है ये, 11/12, इसको ध्यान से देखना यार, ये फाइनेंशियल ईयर पता करना आपको आना चाहिए, ये 11/12 में पड़ रही है ये डेट। तो 1,50,000 का कोई खर्चा था वो उस टाइम पर 1,50,000 का था, लेकिन हमें पता करना है कि आज क्या होगा,
ऐसा सिर्फ लॉन्ग टर्म के केस में ही पता करना है, ठीक? मतलब ये इंडेक्सेशन सिर्फ लॉन्ग टर्म के केस में होगा। तो मुझे बता दो कि 11-12 का इंडेक्स वैल्यू क्या है, यहां से देख के बताओ जरा, ढूंढो 11-12 कहां पर दिख रहा है। ये रहा, 184 इज द इंडेक्स वैल्यू फॉर 11-12, दैट शुड बी हेयर। कितना था? 184 था, 184। एंड कर दो जरा मल्टीप्लाई, 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 184 मल्टीप्लाई 280, तो ये लगभग आएगा 228261। आप कैलकुलेटर खुद करके देख लिया करो एक बार। 2178000 जो था उसमें से हम दोनों तीनों वैल्यू माइनस कर लेते हैं। 896000 माइनस 183607 माइनस 228261, तो आपके पास वैल्यू आ गई। लॉस आ रहा है क्या? लॉस आ रहा है मेरे ख्याल से, एक बार और देख लूँ। 21 लाख में से 8 लाख ये गया, 1,83,000 ये चला जाएगा, 2,28,261 ये चला जाएगा, तो ये निकल कर आएगा 870132। ये आंसर सही था इसका, ठीक है? तो आई होप आपका भी आंसर सही हुआ होगा। जिस जिसका आंसर सही आया प्लीज यार कमेंट में लिख के बताओ कि आपका आंसर सही आया है नहीं आया है, ठीक? अब चलते हैं आज के नए टॉपिक पर, और आज का जो नया टॉपिक है उसके लिए पन्ना जो है, पेज जो है वो पलट लेते हैं फटाफट से। तो हमेशा की तरह जो हम हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे उसको हम बाद में लिखेंगे, पहले हम फटाफट से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो यहां पर है, ये एक पर्सन है और ये क्या कर रहे हैं अपने, ये फादर हैं, यहाँ पे ये फादर हैं, और इन्होंने अपने बेटे को एसेट ट्रांसफर किया है, कैपिटल एसेट। एक हाउस प्रॉपर्टी थी इनके नाम, जो भी इनके नाम पर थी, और अब इनका बेटा बड़ा हो गया, उन्होंने अपने बेटे को वो जो कैपिटल एसेट है वो ट्रांसफर कर दिया, ठीक है? ऐसे तो जो ट्रांसफर करा है वो वसीयत के नाम पर है। मतलब देखो, मैंने आपसे बोला था कि यार ट्रांसफर के ना अलग अलग डेफिनेशन दूंगी। अब एक ट्रांसफर तो मैंने आपको सेल के नाम पर बता दिया कि सेल इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। सेल भी एक ट्रांसफर की डेफिनेशन में है। यहां पे मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, एज अ गिफ्ट अपने बेटे को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया, या फिर हम बोले एज अ इनहेरिटेंस। मतलब जैसे अपने बच्चों को वसीयत नामे के तौर पर कोई अपना एसेट दे देना, तो या फिर गिफ्ट बोलें, या फिर गिफ्ट में मतलब मान लो इसका कोई बर्थडे वगैरह था उस टाइम पर इन्होंने कुछ दे दिया, या फिर अब ये इनकी काफी एज हो चुकी है उसके बाद वो अपने सारे कैपिटल एसेट्स को इनके नाम ट्रांसफर कर रहे हैं ऐसे इनहेरिटेंस के फॉर्म में। तो कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इनहेरिटेंस के फॉर्म में, डन। तो दोनों किसी भी एक को मैंने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे जस्ट एग्जांपल है। तो इन्होंने अपने बेटे को इसे ट्रांसफर कर दिया। अब इनके बेटे ने क्या करा कि उसको आगे सेल कर दिया। मतलब ट्रांसफर तो इनके बेटे ने भी करा, लेकिन वो सेल वाली फॉर्म में करा है और इस पर्सन को कर दिया। ये शॉक्ड है थोड़ा सा, ठीक? ओके, ये था सन और यहां पर इन्होंने ट्रांसफर करा। इन्होंने वो जो हाउस प्रॉपर्टी था वो जब खरीदा था, वो कब खरीदा था, इन्होंने बाय किया हुआ था, मैं कुछ डेटा दे रहा हूँ आपको, इन्होंने वो बाय किया हुआ था 1/6/2003 में बाय किया था, और कितने रुपए का बाय किया था, तो ये इन्होंने बाय किया हुआ था मान लेते हैं 1,80,000 रुपए में बाय किया हुआ था, सिंपल। और जब इन्होंने अपने बेटे को दिया, किस डेट को दिया, 1/11/2011 में दिया, और उस टाइम पे उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू थी, वो 1,80,000 की जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो करीबन 9 लाख रुपए हो चुकी थी। और इनके बेटे ने जब सेल किया इनके बेटे ने अपने प्रीवियस ईयर में 1/7/2018, और कितने रुपए में सेल करा, तो इसको 16 लाख रुपए में सेल करा, और साथ में सीओटी पर भी खर्चा करा, और सीओटी कितने रुपए की थी, तो यहां पे सीओटी 50,000 रुपए की ले लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन पूरा दिख रहा है आप लोगों को, डन। अब देखो, एक तो ट्रांसफर यहां से इधर हुआ और एक ट्रांसफर यहां से इधर हुआ, सही है? तो कितने लोगों ने ट्रांसफर किया, पहले इसने ट्रांसफर करा और फिर इसने ट्रांसफर करा। और हमने देखा भाई सेक्शन 45 आया था तो उसने बताया था जब भी आप ट्रांसफर करोगे कैपिटल एसेट तो आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा, ठीक? तो
यहाँ जो फादर ने जो ट्रांसफर किया है ये वो वाला ट्रांसफर नहीं है जिस पे कैपिटल गेन लगता है, समझ रहे हैं? तो फादर के हाथ में नो कैपिटल गेन. व्हाई? बिकॉज गिफ्ट और इनहेरिटेंस इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर. ये एक रीजन आपको लिख कर आना है. तो क्वेश्चन में वो ऐसे ही क्वेश्चन देगा, लेकिन थ्योरी फॉर्म में मैंने डायग्राम बना दिया. और वो आपसे बोलेगा भाई फादर का कैपिटल गेन कैलकुलेट करो और सन का कैपिटल गेन कैलकुलेट करो. तो आप फादर के लिए तो नोट लिख कर आएंगे, देर इज नो कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ फादर. वाई? बिकॉज बिकॉज गिफ्ट एंड इनहेरिटेंस इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर. ठीक. अब जो ये सन ने जो ट्रांसफर करा है ये किस फॉर्म में है? ये सेल के फॉर्म में, और सेल इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर, सेल इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर. तो इन भाई साहब को तो यहाँ पे कैपिटल गेन लग जाएगा, इनको यहाँ पे कैपिटल गेन लग जाएगा. अब सवाल उठता है कि ठीक है कैपिटल गेन लग जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म वाला या शॉर्ट टर्म वाला? अच्छा मैंने इस डेट को एक काम करता हूँ यार, इसको थोड़ा सा 2016 कर देता हूँ, अब मजा आएगा. ठीक है, तो इन भाई साहब के पास ये कब आया? 2016 में, और उन्होंने बेचा 2018 में. फटाफट से बताओ कि ये लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है? देखो इनके पास आया 16 में और इन्होंने बेचा 18 में, तो कितने टाइम इन्होंने रखा अपने पास? 36 महीने से कम में रखा हुआ है, तो यानी शॉर्ट टर्म लगेगा इनको. लेकिन नहीं, यहां पर इनको कैलकुलेट करना होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. अब क्यों करना होगा तो मैं आपको बताता हूं. ठीक, यहां पर एक सेक्शन आया, ये हेडिंग है आज की, सेक्शन आया 49(1), सेक्शन आया 49(1), जिसने क्या कहा? जिसने कहा कि भाई ऐसे केस में जब पहले किसी पर्सन ने कोई कैपिटल ऐसे ट्रांसफर करा एज अ गिफ्ट या एज अ इनहेरिटेंस एंड देन आपने उसे सेल कर दिया, तो ऐसे केस में आप जब पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो वो जो इस एसेट का प्रीवियस ओनर था, मेरी बात दोबारा पीछे करके देख लेना वीडियो को, जो इस एसेट का जो बिका है एसेट, उस एसेट का प्रीवियस ओनर कौन था? ये वाला जो ओरिजिनल ओनर, प्रीवियस ओनर जो था, इससे प्रीवियस ओनर, उस डेट से आपको काउंट करना है जब तक ये बिका है. तो यहां से जब हम 2003 से काउंट करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा. देखो कई बार ना ऐसे भी होता था, मान लो फादर है, फादर ने ये 2003 में खरीदा था, अब फादर इसे 2018 में जब बेचेंगे तो फादर को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा. तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने सोचा यार एक काम करते हैं ना, क्योंकि गिफ्ट तो ट्रांसफर होता नहीं है, तो उन्होंने अपने बेटे को गिफ्ट कर दिया और बेटे को बोला बेटा अब तू इसे बेच दे, तो बेटे को क्या लगेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. तो सरकार ने जब ऐसा देखा तो सरकार ने फिर एक सेक्शन लेकर आई, सरकार कौन सा? 49(1), और 49(1) सेक्शन ने कहा नहीं 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 आप शॉर्ट टर्म नहीं देंगे, इसको बोला इसको, आप शॉर्ट टर्म नहीं देंगे, आप क्या देंगे? कौन सा टैक्स देंगे? आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे. क्यों? क्योंकि आपको जो पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करनी है वो कौन सी वाली करनी है, यानी पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको जो कैलकुलेट करनी है वो कहाँ से कैलकुलेट करनी है? ओल्ड वाली डेट से. क्लियर है? चलो ठीक है, अब मुझे बताओ इसने कितने का बेचा? इन भाई साहब ने, इसका जो कैलकुलेट कर रहे हैं हम, इन्होंने कितने का बेचा? इन्होंने बेचा 16 लाख रुपए का. तो यहाँ पे सेल कंसिडरेशन, क्या सीओटी है यहाँ पे? हाँ, 50,000 रुपए की सीओटी भी है. अच्छा 50,000 रुपये मैं यहाँ से फटाफट से घटा देता हूँ और निकल कर आएगा 15,50,000. ये आया आपका एनएससी. अब मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो इंडेक्सेशन भी होगा, तो कितने में खरीदा था इन्होंने? कितने में खरीदा? इन्होंने तो खरीदा ही नहीं था, इनको तो फ्री में मिला था. तो यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू मन तो कर रहा होगा यार इस वैल्यू को यूज कर ले, लेकिन सेक्शन 49(1) ऊपर बैठा हुआ है और वो कहता है सुनो जब आप सीओए लेंगे तो वो भी कौन सी लेना? ओल्ड वाली. बात समझ रहे हैं? सेक्शन 49(1) जो था उसने कहा कि आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सी लेना? ओल्ड वाली. तो मतलब ओल्ड वाली मतलब जो प्रीवियस ऑनर ने जितने में उसे एक्चुअल में खरीदा था, 1,80,000. तो 1,80,000 में ये बाय किया गया था. बस अब जिस साल खरीदा है उस साल के इंडेक्स से डिवाइड कर दो, और जिस साल की वैल्यू पता करनी है अपने प्रीवियस ईयर की वैल्यू पता करनी है 280 से डिवाइड कर दो. तो मुझे बताओ ये कौन सा ईयर पड़ रहा है? ये 3-4, 3-4 का इंडेक्स वैल्यू है, 3-4 का इंडेक्स वैल्यू लो, आप खुद देख लो इसमें से 3-4 का इंडेक्स वैल्यू ढूंढो. 109, 109 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, 109 से डिवाइड कर देते हैं और पता करो जरा, 280 एंड डिवाइडेड बाय 109, तो ये निकल कर आएगा आपका 462,385 रुपये. इसको आप यहां से माइनस कर लो. इम्प्रूवमेंट क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के दिया नहीं था, तो इम्प्रूवमेंट है नहीं, छोड़ देते हैं. और आप लिख भी सकते हो यहाँ पे डैश लगाकर, छोड़ना है क्या है, ऐसे कर दो,
एंड देन यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अच्छा एक चीज याद रखना, इम्प्रूवमेंट हो सक, मान लीजिए फादर ने खरीदा था तो क्या पता फादर ने कुछ इतने यहां से 2003 से 2016 के बीच में क्या पता फादर ने भी तो कुछ इम्प्रूवमेंट करी होगी उस प्रॉपर्टी पर, और उसके बाद क्या पता बेटे ने भी इम्प्रूवमेंट करी हो बेचने से पहले। तो जितनी भी इम्प्रूवमेंट हो वो आपको एज इट इज वैसे ही लेनी है जैसे आप नॉर्मली लेते ही हैं, ठीक। यानी फादर वाली भी, प्रीवियस ऑनर ऑनर वाला भी आपको इम्प्रूवमेंट लेना है, और एसएससी ये जो है जो बेच रहा है जिसके ऊपर हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये टैक्स, ये जो इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं इसका भी इम्प्रूवमेंट जो इसने किया हुआ है वो भी आपको यहाँ पे कंसिडर करना है, सिंपल है। तो ये टॉपिक का नाम सेक्शन 41 प्रीवियस ऑनर, इसका नाम हम रख देते हैं यहाँ पे प्रीवियस ऑनर, ठीक। कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसे देखने को मिल जाएगा कि फादर थी या फिर मदर थी, उन्होंने अपने बेटे को गिफ्ट दे दिया और फिर उनके बेटे ने उसको आगे बेच दिया, तो फादर ने जो गिफ्ट दिया या एज अ इनहेरिटेंस अपने बच्चे के नाम किया है उस पर तो टैक्स लगेगा नहीं, कैपिटल गेन लगेगा नहीं, वाई बिकॉज ये ट्रांसफर नहीं माना जाता। लेकिन जो बेटे ने आगे सेल किया और सेल तो ट्रांसफर माना जाता है, उसको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। लेकिन उसको ये दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि पीरियड ऑफ होल्डिंग कौन सी गिनेगा वो अपने लिए प्रीवियस ऑनर की डेट से, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सी लेगा प्रीवियस ऑनर वाली। तो ये कॉन्सेप्ट था सेक्शन 49(1) का। आपको फटाफट से एक क्वेश्चन करवा देता हूं और फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसको ड्रॉ कर लेना बना लेना मजा आ जाएगा। फटाफट से एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन यार उससे पहले एक चीज मैं बोलना भूल गया, सॉरी। वीडियो को लाइक कर देना अगर ये अच्छे लगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। शेयर बनता है, लाइक बनता है, सब्सक्राइब बनता है, बेल आइकन बटन सब कुछ बनता है, फटाफट कर दो ये सारी चीजें। और ये रहा आपके लिए एग्जाम्पल यहाँ पर, टेन टड़ा। देखो एग्जाम्पल 9 में क्या है, ये 10 आपके लिए होमवर्क है, याद रखना 10 आप होमवर्क करेंगे और मुझे रिप्लाई करेंगे आंसर को, एंड देन 9 ये जो है आपका मैं भी करवा रहा हूँ इसे। बोलता है बबीता एक्वायर्ड लैंड ऑन 15/6/99, तो 99 में मैडम जी थी, कोई बबीता मैडम थी, उन्होंने एक जमीन खरीदी है, और जमीन खरीदी है अब यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए हो चाहे कैसे भी यूज के लिए हो, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और किसी भी तरीके की इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके लिए कैपिटल एसेट होती है, ये पता लग गया। कितने में खरीदा, 3 लाख रुपए में खरीदा, एंड गिफ्टेड टू इट हिज मेजर सन रोमन, तो इसको अपने बड़े बेटे को उन्होंने दे दिया, गिफ्ट कर दिया रोमन को, रोमन को रोमन बोलेंगे से, ऑन 1/10/2006 में आके, 99 में उन्होंने खुद खरीदा, 2006 में उन्होंने अपने बेटे को दे दिया, जब फेयर मार्केट वैल्यू इस जमीन की कितनी थी 2,50,000। हम इससे लेना देना नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है। रोमन सोल्ड द लैंड ऑन, अच्छा रोमन ने उसे बेच दिया, कब बेच दिया, 15/9/2018 अपने प्रीवियस ईयर में, 18/19 में बेच दिया, कितने में, 45 लाख रुपए में बेच दिया। कंप्यूट करो कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ बबीता एंड रोमन, दोनों के हाथ में कितना कितना कैपिटल गेन लगेगा, क्योंकि ट्रांसफर तो दोनों ने किया है, उसने अपने बेटे को ट्रांसफर किया और रोमन ने फिर आगे किसी पर्सन को ट्रांसफर किया है, लेकिन दोनों के ट्रांसफर कुछ अलग अलग हैं, वो हमें ध्यान रखने होते हैं। तो बबीता और रोमन के हैंड में कितना कितना कैपिटल गेन लगा ये आप बताएं। एज्यूम करके चलें कि जो फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 है, एक को है, वो 3,60,000 रुपए है। मतलब देखो हमें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कभी नहीं भूलने, यहाँ पे जो बबीता मैडम ने ये एक्वायर किया था ये 2001 से पहले खरीदा था, 1/4/2001 से पहले। तो कहीं ना कहीं जब हम अपने सेक्शन 49(1) जो अभी हमने सीखा है उसके हिसाब से जब हम पीरियड ऑफ होल्डिंग पुरानी डेट से कैलकुलेट करेंगे और जब COA पुराना वाला लेंगे, और अगर वो फादर नहीं, जो हमने पिछले एग्जांपल में फादर नहीं, अगर 2001 से पहले खरीदा तब भी तो हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू लेने वाला। तो इसीलिए यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 3,60,000 रुपए, जो 3 लाख की खरीदी थी वो 2001 में आकर, 1/4/2001 में आकर 3,60 की हुई है। साथ में बोला है एंड ही इनकर्ड एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर वर इतना, मतलब ही किसके लिए बोला हुआ है, रोमन के लिए। रोमन ने ट्रांसफर करते वक्त जो खर्चे करे हैं वो 80,000 करे हुए। तो पहले हम पॉइंट ए कर लेंगे फिर बी बाद में पढ़ लेंगे, फटाफट से हम एग्जाम्पल आप भी कर लो पॉज करके, एंड देन मैं नीचे इसे बना देता हूँ फॉर्मेट, यहां करते हैं हम इसे, आप लोग खुद अपना कर लो पहले यहाँ पे। सेल कंसिडरेशन COT लेस करा, NSC नेट सेल कंसिडरेशन, ICOA इंप्रूवमेंट क्वेश्चन में है ही नहीं, आ जाओ। लेकिन ये ऐसे ही नहीं बनाना, ये तो मैं अभी आपको बस सिखा रहा हूँ आपको करना क्या है तरीके से, क्योंकि हमें पता लग गया बबीता मैडम के हाथ में तो कैपिटल गेन जाएगा नहीं। तो सबसे पहले आपको एक नोट लिखना है कि इन हैंड्स ऑफ बबीता देर इज नो कैपिटल गेन बिकॉज गिफ्ट इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। तो ये एक नोट हो गया। अब दूसरा,
इन हैंड्स ऑफ रोमन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शैल बी कैलकुलेटेड। आप क्या बताएंगे कि रोमन के हाथ में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाएगा? अगर आपको सेक्शन याद है तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41, 49(1) के हिसाब से कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो रोमन के हाथ में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाएगा, वैसा बोल सकते हैं ठीक। अदरवाइज सेक्शन याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे रोमन के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। कितने में बेचा रोमन ने उसे? 45 लाख रुपए में उस प्रॉपर्टी को बेचा था। तो यहां पे मैंने लिखा 45 लाख। कितने का सीओटी था? कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर 80,000 का क्वेश्चन में गिवन था हमारे को। तो अगर मैं यहां से 80,000 इसे लेस करूंगा तो मेरे पास निकल कर आएगा 44,20,000। ठीक, कितने में उन्होंने बाय किया था? अच्छा, यहां पे सीओए क्या लेना है? जो प्रीवियस ऑनर था यानी बबीता वाली जो वैल्यू है वो लेनी है, लेकिन हम इसे इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ये 1/4/2001 से पहले की वैल्यू है और हमें फेयर मार्केट वैल्यू भी ऑलरेडी गिवन है, तो हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये ऊपर से उससे ज्यादा भी है, अगर ये ज्यादा नहीं होती तो मैं उसको लेना पसंद करता, लेकिन ज्यादा है तो उसको ले लेते हैं। तो 3,60,000 ले लेते हैं ताकि हमें ज्यादा रिड्यूस करने को मिले। और डिवाइड किससे करेंगे? क्योंकि हमने फेयर मार्केट वैल्यू कब की ली है? 1/4/2001 की, तो उस साल इंडेक्स था 100 और आपको इसको कन्वर्ट करना है 280 में। तो 3,60,000 / 100 × 280 कितना आ जाएगा? ये आ रहा है करीबन 10,08,000। ठीक, इम्प्रूवमेंट है नहीं यहाँ पे, क्वेश्चन के अंदर नहीं थी इम्प्रूवमेंट, तो मेरे ख्याल से नहीं था। तो इस तरीके से आप इसे घटाएंगे कितना आ जाएगा? ये सही तो है, ये 45 लाख ये आ गया। अच्छा, ये आंसर्स गलत हैं यार, इनको मत देखना पहली बात। 45 लाख ये हो गया, 3,60,000 था, सही है। तो जो हमारा यहाँ पे आया इसको हम माइनस कर लेते हैं चुपचाप से। 44,20,000 - 8,000 इसे भी माइनस कर लो, तो ये आ जाएगा आपके पास 3,412,000। ठीक, मैंने सही किया ना, 80,000 था ये और इसके बदले हमने 3,60,000 ले लिया और 45 लाख ले लिया, 45 लाख ही तो ये। हाँ ठीक है, सही है, सही है। तो हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है जी, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अच्छा, बी पार्ट में क्या बोला हुआ है? व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन, क्या होगा कैपिटल गेन अगर इफ द लैंड वॉज गिफ्टेड बाय बबीता टू हिज सन रोमन ऑन 31/12/2008। देखो, ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो था गिफ्ट कब किया हुआ था? 2006 में। और अगर 2008 में वो गिफ्ट करती तो क्या फर्क पड़ता? तो मतलब वो ऐसा कहना चाह रही है कि जैसे इस एग्जाम्पल में यहां पर 2016 में गिफ्ट किया हुआ था, इस डेट से तो हमें कुछ लेना देना था ही नहीं। ठीक, जब ये वाला सेक्शन नहीं हुआ करता था इनकम टैक्स में, ऐसा सोचो थोड़ा, तो फिर नॉर्मल पर्सन क्या करता? जिस टाइम इसको मिला यहां से कैलकुलेट करता। तो क्योंकि गवर्नमेंट तो सेक्शन 49(1) लेकर आ गई है, उसने कहा इस डेट को भूल जाओ, आप सारा कुछ कहां से गिनो? प्रीवियस ऑनर ने जब खरीदा था तब से गिनो। तो इस डेट का कोई रिलेवेंस है ही नहीं यहाँ पे। तो ये 16 में गिफ्ट किया हो, 15 में गिफ्ट किया हो, कभी भी गिफ्ट किया हो, डजंट मैटर, आपको गिनना तो यहीं से है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। आप कमेंट में लिखेंगे देर इज नो एनी डिफरेंस इन द सॉल्यूशन वेदर बबीता गिफ्टेड टू द रोमन ऑन एनी डेट, यू कैन राइट एनीथिंग, है ना, अपनी लैंग्वेज में। तो ये दोनों आंसर इसलिए सेम। अच्छा, ये तो गलत ही है, खैर आंसर तो आपका जो मैंने बताया वही था। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया हो। यार टॉपिक इंपॉर्टेंट था, हल्के में मत लेना, इसको कई बार टपक जाता है ये क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन ऐसा करके बढ़ेगा, तो क्वेश्चन बढ़ेगा कैसे? जैसे कि आपको वो 2001/4/2001 से पहले एसेट खरीदा है वो कंडीशन क्वेश्चन में डाल देगा, प्रीवियस ऑनर वाली कंडीशन आपके पेपर में डाल देगा, कंस्ट्रक्शन आपने 1/4/2001 से पहले करी दी है तो वो उसमें क्वेश्चन में आपके पुट कर देगा। इस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा सा वो घुमा देता है। अच्छा, लास्ट वीडियो हर बार जैसे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बनाते हैं, इसकी भी जब मैं बनाऊंगा तो आपको कई अलग अलग क्वेश्चंस दिखाऊंगा जिसमें आपकी सारी चीजें रिविजन हो जाएंगी। तो लास्ट वीडियो का वेट जरूर करना, ठीक। और आज की वीडियो में इतना ही क्लोज करते हैं। लॉकडाउन खुल गया है और आप लोग बाहर जाना तभी जाएं जब जरूरत पड़ रही हो, मैं आपको यही बस सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।